Hi all, let's see how to withdraw PF online. कुछ conditions में हम लोग partially PF amount withdraw कर सकते हैं, जैसे कि marriage हो, education purpose, purchase of land या housing loan repayment करना है या house renovation करना है. इन सब condition में हम लोग partially PF amount withdraw कर सकते हैं. So let's see the process. EPFO के पोर्टल पे जाके आपको UN से लॉगिन करना है. लॉगिन करने के बाद ये पेज आएगा, यहाँ आपको नॉमिनेशन के लिए पूछ रहे हैं. अगर आपने ऑनलाइन नॉमिनेशन नहीं किया है तो आप यहाँ से फाइल नाउ पे क्लिक करके ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकते हो. इसका भी वीडियो मैंने चैनल पे मेरे अपलोड किया है, आप वो देख सकते हो. नेक्स्ट पेज आएगा आपको डिटेल्स, आपको ये डिटेल्स वेरीफाई करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आधार नंबर वेरीफाइड है, पैन कार्ड वेरीफाइड है. अगर ये वेरीफाइड नहीं है तो आपको विड्रॉवल करने नहीं मिलेगा. तो आपको सबसे पहले पीएफ एंड पैन नंबर और आधार कार्ड वेरीफाई करना है. नेक्स्ट पेज पे यह ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके क्लेम फॉर्म 31 पे आपको क्लिक करना है. फॉर्म 31 पे क्लिक करने के बाद आपको ये नेक्स्ट पेज आएगा जहां आपके डिटेल्स हो गए, आपका आधार नंबर, बैंक डिटेल जो आपने यह रजिस्टर किया है वो डिटेल आएगा, और यह बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है. यह जो अकाउंट नंबर दिया है उसका 4 डिजिट, यह उन्होंने नोट भी दिया है, लास्ट का 4 डिजिट डाल के आपको यह वेरीफाई पे क्लिक करना है. जैसे ही आप 4 डिजिट डाल के वेरीफाई पे क्लिक करते हो ये अंडरटेकिंग विंडो आएगा, यह आपको यस करना है. और उसके बाद ऐसे ग्रीन कलर का टिक आया, मतलब आपका वेरिफिकेशन हो गया. सक्सेसफुली बैंक वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करोगे और नेक्स्ट विंडो आपको ये आएगा, यहाँ आपको आई वांट टू अप्लाई फॉर ए पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पे क्लिक करना है. और नेक्स्ट है पर्पस, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे पर्पस किस लिए आपको पीएफ विड्रॉ करना है. इतने सारे ऑप्शंस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ये सब ऑप्शन है. आपका जो सूटेबल रीजन है वो रीजन मेंशन करके आपको सिलेक्ट करना है यहाँ. उसके बाद लास्ट वाला है आपका कैंसल चेक का, जो अकाउंट आपने यहाँ रजिस्टर किया है बैंक अकाउंट, उसी बैंक का कैंसल चेक आपको यहाँ अपलोड करना है. और उसका फॉर्मेट, उसका एक्सटेंशन जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए, एक्सटेंशन होना चाहिए और 550 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. जैसे ही आप कैंसल चेक अपलोड करते हो यह अंडरटेकिंग, यह एक टिक मार्क आपको सिलेक्ट करना है. और उसके बाद ये विंडो आपको दिखेगा गेट आधार ओटीपी. गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे आधार ओटीपी आएगा, और वो आधार ओटीपी यहाँ मेंशन करना है. उसका टाइम आई थिंक 10 मिनट्स आपको मिलेगा, आधार ओटीपी कभी कभी लेट आता है. जैसे आप आधार ओटीपी डालोगे ये सबमिशन शुरू हो जाएगा. आधार ओटीपी डाल के आपको सबमिट करना है, बस सबमिट करना है, इतना ही है ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल प्रोसेस. कभी कभी आप सबमिट करते हो तो इस तरह का आपको एरर आता है लॉग फेल्ड करके, ऐसे एरर आएगा प्लीज रिट्राई विथ वैलिड रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर. बट ये करने से पहले आपको एक बार यही ऑनलाइन सर्विसेज में जाके ट्रैक योर ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाके चेक करना है आपका क्लेम सबमिट हुआ या नहीं. कभी कभी सबमिट हो चुका होता है फिर भी ये एरर आता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यही था पीएफ ऑनलाइन विड्रॉवल प्रोसेस. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.